हे फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज का आपको सीन दिख रहा होगा स्कूल का। आज भी मैं एक एक्टिविटी करा रही हूँ। आज मनी का टॉपिक मैंने लिया हुआ है। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स तराजू लेकर आए हैं। व्हाट है, फ्रूट्स है, और यहाँ पर ये मनी डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। इसका कॉन्सेप्ट इनको बहुत ही अच्छा लगा, ये एक्टिविटी करके, और इनके सारे डाउट्स क्लियर हो गए। ये मनी डिस्ट्रीब्यूट कैसे करते हैं, रिटर्न कैसे करते हैं, ये सब कुछ सीखा है इन्होंने। और इस एक्टिविटी को करके उन्होंने बहुत इंजॉय किया और मैंने भी इंजॉय किया। तो आप आगे देखिए मैं इस एक्टिविटी को किस तरह से करवाती हूँ। आप इस तरह की एक्टिविटी अपने स्टूडेंट्स के साथ भी करवा सकते हैं। हेयर इज 1 kg टोमेटो एंड 1 kg 1 kg का कॉस्ट कितना है? टोमेटो जी, टोमेटो का कॉस्ट है 20। तो हाफ केजी का कितना होगा? 20 का हाफ कर देंगे। लेकिन अगर 2 वॉट नहीं है तो मैं 1 kg का रखूंगी। 1 kg का वॉट रखिए। यस, तो मैंने यहाँ पे 30 रुपीज मुझे दे बोली। फ्रूट ले लो, फ्रूट ले लो, ताकि या फिर ऑरेंज, स्ट्रॉबेरी, ग्रेप्स, मैंगो। विच फ्रूट यू वांट? ओके, तो हाफ के जी मैंगो, हाफ के जी चेरी एंड हाफ के जी स्ट्रॉबेरी। यस, शॉपकीपर कितना बैग करोगे? रिटर्न बैग रिटर्न देना है ना? 40 रुपीज शॉपकीपर ने 40। और इसके बाद स्कूल में हम लोग पिकनिक गए हुए थे, तो उसका एक्सपीरियंस शेयर करना था। तो बच्चे स्पीच दे रहे थे। आज स्पीच कंपटीशन था कि कौन सबसे अच्छा बोल पाता है। हम पुणे कात्रास जू में गए हुए थे, तो ये उसका एक्सपीरियंस शेयर कर रहे थे। कात्रास जू का फुल वीडियो जो है मैंने डाला हुआ है, आप उसे भी देख सकते हैं। From zoo we get the information and knowledge. First we get the information from school that so many animals in that zoo. We get free section are there. So next is spotted deer. Then summer deer. The summer deer is largest deer in the India's largest deer. Species of white antlers and its weight is 800 to 1200 kg. What they eat? What they eat? And we got the information. और उसके बाद मुझे टाइम मिला 45 मिनट का। मेरी क्लास ऑफ थी, तो उसमें मैंने अपनी पढ़ाई स्टार्ट करी। उसमें मैंने टीचिंग लर्निंग का ICT इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी फॉर टीचिंग लर्निंग का टॉपिक पिक किया हुआ था। मैं उसके लिए नोट्स प्रिपेयर कर रही थी और उसे आज की डेट पर मैं लिख रही थी। हे फ्रेंड्स, मैं स्कूल से आ गई हूँ और आज मैं 4:40 पर ही पहुँच गई हूँ। हमने स्कूल से यहाँ पर रूम तक आने का एक शॉर्टकट तरीका ढूंढा हुआ है, तो उससे हम इस टाइम पे थोड़ा सा जल्दी आने लग गए हैं। ऑलमोस्ट 4:30 या 4:35 तक मैं यहाँ पर पहुँच जाती हूँ। तब तक मैं अपने जो मॉर्निंग के बर्तन होते हैं उनको भी मैं क्लीन कर लेती हूँ और मेरा चाय वाय बनाना स्टार्ट हो जाता है। तो चलिए, अब मैं अपने वर्क में लग जाती हूँ। 5:00 से बच्चे भी आने वाले हैं। फ्रेंड्स, 9:30 हो रहे हैं, मैंने खाना वगैरह खा लिया है।
आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि आज मैंने क्या पढ़ा। जैसा कि मैं आपको दिखा रही थी कि मैंने आज ये 10 दिसंबर की डेट पर मैंने ICT का टॉपिक पिक किया हुआ है। आपको मैं सिलेबस में भी दिखाना चाहती हूँ कि ये सिलेबस में अंडरस्टैंडिंग टीचिंग लर्निंग में ICT इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी फॉर टीचिंग लर्निंग एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है ये KVS का। इवन CTET और ऑल ओवर द टीचिंग एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है। तो आज मैं इस पार्ट को पिक किया हुआ है मैंने ICT, और ये मैंने मेंटोर्स 36 वीडियो से ब्लॉग लिया हुआ है। मेरा क्या तरीका रहता है कि मैं यूट्यूब से टॉपिक सर्च करती हूँ और जो मुझे सबसे बेस्ट लगता है उसी टीचर का मैं देखती हूँ और उसे मैं नोट डाउन करती हूँ। मैं ऐसा पर्टिकुलर मैंने कोई कोर्स वगैरह नहीं लिया हुआ है कि मैं पर्टिकुलर किसी एक कोर्स से कर रही हूँ। मैं सेल्फ स्टडी कर सकती हूँ इसलिए मुझे कोर्स लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं इसी से ही स्टडी कर रही हूँ। और तो मैंने अपना नोट्स सेल्फ प्रिपेयर कर रही हूँ और आपको भी मैं दिखा रही हूँ कि ICT का मैं मेंटर 36 से ये मैंने नोट डाउन किया हुआ है। सर ने बहुत ही अच्छा पढ़ाया हुआ है, उन्होंने ये पहले पूरा सिलेबस का ये शॉर्ट नोट्स दिया हुआ है, मतलब ICT का शॉर्ट में दिया हुआ है पूरा डिटेल, और फिर उससे रिलेटेड उन्होंने बहुत सारे क्वेश्चंस लगवाए हुए हैं। ये ICT जो है कंप्यूटर का पार्ट भी है और इन्होंने एग्जाम्पल दे करके इसमें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है और सारे फुल फॉर्म वगैरह को भी इन्होंने कंप्लीट कराया हुआ है। और वैसे तो ये कंप्यूटर का पार्ट है लेकिन ये कंप्यूटर में इंक्लूडेड नहीं है, ये टीचिंग लर्निंग में इम्पॉर्टेंट रोल रखता है। बिकॉज ICT जो है वो आजकल जो है PPT वगैरह जो पढ़ाया जा रहा है, इस वीडियो में एक ये टॉपिक को इंक्लूड किया गया था कि क्लास में जो PPT पढ़ाया जाता है तो क्या वो ICT का एग्जाम्पल होगा कि नहीं, PPT के थ्रू अगर क्लास में पढ़ाया जाता है तो ये ICT का एग्ज़ाम्पल होगा कि नहीं। तो इसका आंसर होगा नहीं। ये मुझे बहुत अच्छा इसका क्लू मिला कि बिकॉज ICT का मीन्स होता है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इट मीन्स कि एक ऐसा टेक्नोलॉजी जिसके थ्रू जो हम कम्युनिकेशन कर पाए। जैसे कि अगर हम PPT अगर पढ़ रहे हैं तो हम अपना कम्युनिकेशन नहीं कर पाते हैं PPT से, इवन जबकि हम व्हाट्सअप वगैरह में कर रहे हैं तो व्हाट्सअप जो है वो एक ICT या Alexa भी आप ले सकते हो एग्जांपल, या Google Talk भी ले सकते हो। ये सारे क्या है, ये सब ICT का एग्जांपल है क्योंकि हम इनसे एक पर्सनल कम्युनिकेशन भी कर पा रहे हैं। तो ICT और IT में बहुत डिफरेंस होता है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और ICT में कम्युनिकेशन होता है। तो ये दोनों जो है डिफरेंट पार्ट्स हैं टेक्नोलॉजी के। तो इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, आप इस वीडियो को जा कर के ज़रूर देख सकते हैं। तो आज मैंने स्कूल में इतनी स्टडी करी हुई है, इस पार्ट को कवर अप किया हुआ है, उसके अलावा मैं आगे पढ़ने वाली हूँ तो मैं आपको दिखाऊंगी। और यहाँ मैं ये बताना चाहती हूँ, जो मैं स्कूल एक्टिविटीज़ के जो क्लिप दिखाती हूँ तो मैंने क्लॉक एक्टिविटीज़ जो कराई हुई थी और ये सब एक्टिविटीज़ जो मैं करा रही हूँ इसके लिए मुझे बहुत अप्रिसिएशन मिल रहे हैं स्कूल साइड से, क्योंकि ये बहुत ही न्यू कॉन्सेप्ट है और टीचर्स ने भी मुझे बहुत तारीफ़ करी। तो आप भी इस तरह की एक्टिविटीज़ को ज़रूर करवाइए अगर आपके बच्चे हैं और स्टूडेंट्स। सो फ्रेंड्स, 11:30 हो रहे हैं, आज के लिए मैंने अपनी स्टडी कंप्लीट कर ली है और आज के डे का बहुत 1 वीक से वेट था। आज है सैटरडे और कल है संडे, फुल रेस्ट लेने वाली हूँ मैं। मॉर्निंग जो है इतना जल्दी उठना नहीं पड़ेगा, उसका टेंशन नहीं रहेगा, तो इसलिए मुझे बहुत खुशी हो रही है कि यार सैटरडे आया, क्योंकि जॉब करने वालों को और ऑल टाइम वर्किंग रहते हैं तो बहुत
दिन लगता है कि कितना दिन बाद जो है संडे आता है। तो अभी तो मैं बहुत खुश हूँ और अब मैं सोऊंगी क्योंकि मुझे अब बहुत नींद भी आ रही है। हाँ, लास्ट में ये एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगी, जो मैंने ICT का जो ये टॉपिक पिक किया हुआ है, ये आपके इंटरव्यू के लिए भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, तो इसे ज़रूर रीड करिएगा। KBS में इंटरव्यू का पार्ट है ना, तो ये साथ ही ऑल टीचिंग एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो दैट्स इट फॉर टुडेज गाइज। इफ़ यू न्यू इन माई चैनल, डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बहुत नींद आ रही है फ्रेंड्स। गुड नाइट एवरीवन।